नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से देश में बड़ा एक्शन करने की तैयारी में केंद्र सरकार, और इसी कड़ी में अब 5 अगस्त 2021 को यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है केंद्र सरकार। जी हां, हालांकि इसको लेकर कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी, तो साफ तौर पर अब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद होने वाले बड़े एक्शन से अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका देने की तैयारी साफ तौर पर केंद्र सरकार यहां पर करती हुई दिखाई पड़ रही। जी हां, और इस कड़ी में एक बार फिर से तमाम विपक्षों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब एक बार फिर से 5 अगस्त की वो तारीख आने वाली है जिसमें लगातार केंद्र सरकार ने एक के बाद एक बड़े एक्शन ऐलान किए हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर सकती है। जी हां, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो जाता है तो देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर समुदाय से ताल्लुक रखता हो, जो कि इस वक्त में वर्तमान समय की बेहद ज्यादा मांग है। और इसीलिए इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपको बता दें कि हाई कोर्ट भी केंद्र सरकार से यह मांग कर चुकी है, ये आदेश दे चुकी है कि अब केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले और इसको लेकर अहम कदम अब आगे की ओर उठाए जाए। जी हां, और यही बड़ी वजह थी कि दरअसल कल ही अमित शाह ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी, और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि शाह की भूमिका को बढ़ा दिया गया है, उनके कद को बढ़ाकर एक नया मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है, और इसी मायने को देखते हुए मुलाकात खास बताई जा रही थी। और अब साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं ये मुलाकात के बाद कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी कानून को लागू करने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बातचीत की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोदी कैबिनेट में विस्तार होने के बाद जो एक के बाद एक बड़े फैसले अब केंद्र सरकार करने की तैयारी में दिखाई पड़ रही है, यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से 5 अगस्त का नाम एक बार फिर से सबकी जुबान पर सामने आने लगा है। जी हां, दरअसल ये तारीख बेहद ज्यादा अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले अगर मोदी सरकार के फैसलों को हम देखें तो 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया था। वहीं अगर 2020 की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर को लेकर भी मोदी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया था, और इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ठीक 5 अगस्त 2021 के दिन केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इसे पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल वर्तमान में गोवा में इस कानून को लागू किया गया है, लेकिन अब किस तरीके से पूरे देश में इसको लागू किया जाए ताकि जो धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग तरीके से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता था वो सामना ना करना पड़े, इसको लेकर अब मोदी सरकार साफ तौर पर गंभीर होती दिखाई पड़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां तेज होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में अब जल्द ही मानसून सत्र की भी शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते मोदी सरकार कई बड़े फैसले हालांकि ले सकती है, और इसी के तहत आपको बताते चले कि हालांकि इस फैसले को देखते हुए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विपक्ष के नेता एक बार फिर से बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा ने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ जनहित को देखते हुए तमाम बड़े फैसले किए जाते हैं, और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून को लाने की बात की जा रही है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा कि हम जनहित में कानून लाते हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है और ये कानून अगर हम देश में लाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और इसीलिए एक समुदाय की राजनीति की जाती है जिससे बहुत सारी बाधाएं सामने आती हैं। वहीं इस दौरान आपको बताते चले कि पीडीपी पर भी हमला बोलते हुए साफ तौर पर मोहसिन रजा ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर तंज निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग धारा 370 को लेकर तमाम तरह की बातें
कहते थे कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन सब कुछ आसानी से हो गया क्योंकि देश के लोगों को ये स्वीकार है, लेकिन कुछ लोगों को इससे इनकार है। तो कुछ लोगों के लिए हम कानून नहीं रोक सकते, देश के लिए ये कानून है और देश की मैक्सिमम मेजोरिटी ये चाहती है। और जब अगर मेजोरिटी ये चाहती है तो हम फिर इस कानून को क्यों रोके? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अपने देश को हम आतंकी की आग में या गलत जगह पर नहीं झोंक सकते। और यही बड़ी वजह है कि अब इस कानून को लाया जा रहा है। साथ ही साथ मोहसिन रजा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि ये उनकी अपनी नीति हो सकती है, लेकिन हमारी नीति देश हित में है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोगों के हाथ में अब तक देश रहा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति कर देश को बर्बाद किया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में जो भी बड़े निर्णय देश हित में लिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए और जनता के विकास के लिए लिए जाएंगे। जी हाँ, और अब इसी प्रक्रिया में हम ये एक देश एक कानून को लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए, जिसको लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टी बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको याद होगा जब मोदी सरकार की ओर से धारा 370 को लेकर बड़ा फैसला किया गया था, उस दौरान किस तरीके से पीडीपी की मुख्य जो चीफ है महबूबा मुफ्ती किस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ी थी और हिंदू मुस्लिम करते हुए हिंदुस्तान के दो झंडे बताते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे को तक हाथ में लेने से इनकार कर दिया था और वो ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आपको बता दें हालात क्या है, वो हम सबके सामने है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब लोग अमन और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ इसे बर्बाद करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग में राजनीति का कीड़ा डालने के लिए, हिंदू मुस्लिम कर ध्रुवीकरण करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे पीडीपी की ओर से हालांकि इस्तेमाल किए गए थे। और अभी भी वर्तमान में अगर हम बात करें तो गुपकार गैंग का गठन भी इसी को चलते किया गया था कि वो जब तक धारा 370 को बहाल नहीं करेंगे तब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से धारा 370 से लेकर तीन तलाक से लेकर कई ऐसे अहम मुद्दे जो मोदी सरकार ने सोच विचार करने के बाद देश के हित में लिए हैं, जो बड़े फैसले किए हैं, इनके आधार पर ही साफ तौर पर अब मोदी सरकार इस निष्कर्ष में पहुंच पाई है कि अब ये लोगों की मांग है कि पूरे देश में अब जनता के लिए एक समान कानून हो, एक समान नागरिकता हो, जिसके चलते लोगों के मतभेद को लेकर तमाम तरह के संघर्ष ना झेलने पड़े। और यही बड़ी वजह थी, आपको बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था और ये कहा था कि अब केंद्र सरकार यूसीसी को लेकर अहम कदम उठाए। और साफ तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा था क्योंकि अब देश में सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट की आवश्यकता है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार इसके पहले कई बुद्धिजीवी तमाम तरह की याचिका डालकर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर चुके हैं कि अब पूरे देश में एक देश एक कानून लागू होना चाहिए और इसी को लेकर लंबे समय से इस पर तमाम मंथन किया जा रहा था, विचार विमर्श किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब मोदी सरकार की ओर से जो बड़ी पहल करते हुए साफ तौर पर यह बड़ा फैसला लाने की बात कही जा रही है, इससे साफ तौर पर अब लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लोग खुले दिल से एक बार फिर से मोदी सरकार का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो साफ तौर पर वो अभी से इस बात का फैसला कर देते हैं कि 2024 में भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में मोदी सरकार चाहिए। जिसको देखते हुए आपको बताते चले कि इसे वाकई मोदी सरकार की बहुत बड़ी पहल के तौर पर माना जा रहा है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी सभी अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ और पर्सनल कानून बनाया गया है। क्योंकि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में सिर्फ एक ही शादी का नियम है। और वहीं अगर तलाक की बात की जाए तो तलाक में भी अलग अलग मुस्लिम लॉ के आधार पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिसके चलते आए दिन तमाम अलग अलग जाति के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही बड़ी वजह है कि अब देश में सिविल कोर्ट की डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार
आर्य अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम शामिल होंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी नेता इस कानून के आने के फैसले के बाद से ही बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना था। और यही बड़ी वजह थी कि अब तक पिछले 70 सालों से देश में बंटवारे की राजनीति की गई थी, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया गया था। लेकिन फिलहाल इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।